कोविड से कई गुना ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय और कमलनाथ सिंह ने पहुंचाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बात कही है, मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार, मुख्यमंत्री चौहान ने ये बात कही। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको। मोदी है तो मुमकिन है। पहले जब यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन में भारत के बच्चे फंस गए थे, तब मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की थी कि हमारे बच्चे तिरंगा लेकर निकलेंगे तो युद्ध विराम हो जाए, और हमारे बच्चों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया था। अभी सूडान में जो गृह युद्ध की स्थितियाँ बनी उसमें भी हमारे अनेकों भाई बहन फंसे थे, भारतीय चिंतित थे, मध्य प्रदेश के लोग भी थे और लगातार हम भी सक्रिय थे उनको सुरक्षित निकाल के लाने के प्रयासों में। प्रधानमंत्री को हृदय से धन्यवाद, फंसे हुए लोग अब सकुशल भारत लौट रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी 7 लोग सुरक्षित वापस लौटे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी जो लोग अभी रह गए हैं हम उनको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, विदेश मंत्री जी के प्रयासों से उनको सुरक्षित निकाल के लाने में सफल होंगे। एक बार फिर ये सिद्ध हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। उन्होंने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि तुलना के लिए उनको और कोई वायरस नहीं मिला, कोविड वायरस ही, कोरोना वायरस ही मिला। वो कोरोना वायरस जिसके कारण हाहाकार मच गया था, लोगों की जिंदगी गई थी, अर्थव्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी। वो तो मोदी जी थे जिन्होंने एक नहीं दो दो वैक्सीन जिनके नेतृत्व में बनी और बाद में कोविड का मुकाबला कर लिया गया, वरना कमलनाथ जी ने तो कोविड के भरोसे ही मध्य प्रदेश की जनता को छोड़ दिया था कि जो करना है हमें क्या करना, कोविड ही करे। लेकिन आज पूरी तरह से कोविड कंट्रोल में है, लेकिन कोविड से ज़्यादा नुकसान, कोरोना से ज़्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को पहुंचाया है, मध्य प्रदेश की जनता को पहुंचाया है तो श्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, इन दोनों ने पहुंचाया है। पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कौन ने किया? न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था, ग्रोथ रेट निगेटिव होती थी, चारों तरफ बेरोजगारी फैली थी, भ्रष्टाचार का आलम था। 1.25 साल के राज में कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का ही काम किया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके फिर से विकास के नए इतिहास रचने की कोशिश की है, नहीं तो इन्हें तो कोरोना से ज़्यादा नुकसान